ढलते हुए सूरज को देखना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा पीछा करने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, गलत फहमी है तुम्हारी। तो फिर यहाँ आने कोई खास वजह? जाने क्यों, तुमसे बात करने को मन चाहा, खींचा चला आया मैं। मगर मुझे बात करने का कोई शौक नहीं। बात करने का शौक मुझे भी नहीं है, मगर अपने दिल से मजबूर हूं मैं। कुछ लोग सारी जिंदगी एक साथ गुजार देते हैं फिर भी अजनबी रहते हैं, और कुछ लोग एक ही मुलाकात में अपने से लगते हैं। ऐसे लोगों में से तुम। अच्छा लगा, आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे बारे में ऐसा कहा है, सुनकर अच्छा लगा। क्या आज तक कभी भी किसी ने प्यार से तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखा? बाप की उंगली पकड़कर चलता तो यूं रास्ता ना भटकता। तुम्हें कभी अपने बाप की याद आती है? आती है, मगर साथ में नफरत का एक सैलाब भी आ जाता है। इतनी नफरत की कोई वजह तो होगी? क्या यह वजह कम है कि बाप का सहारा नहीं मिला तो भटक कर मैंने हथियार का सहारा ले लिया? तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिन बच्चों को माँ बाप का सहारा नहीं मिलता वो भटक कर हथियार उठा लेते हैं? बाप ना भी हो तो बाप का नाम जरूर मिलता है, वरना इस दुनिया में उस बच्चे को कोई जगह नहीं मिलती। और उस जगह को छीनने के लिए वो वही सब कुछ करता है जो मैं कर रहा हूँ। इसमें तुम्हारे उस बाप की कोई मजबूरी हो सकती है? हो सकता है कि तुम्हारी माँ उसकी मजबूरी हो। मेरे माँ के खिलाफ एक शब्द मत कहना, क्योंकि आज भी उनके आंसुओं का लिखा हुआ एक लेटर मेरे पास है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मजबूर मेरी मां थी, मेरा बाप नहीं। और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि तुम मेरे बाप को जानते हो। अगर गलती से भी मेरे बाप का पता आपको मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, बदले में आपके काम करने की रकम मैं आपको वापस कर दूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उनसे मिलकर तुम क्या करोगे? अपने हाथों से उनका गिरेबा पकड़ के मेरे सारे गुनाहों का हिसाब मांगूंगा और पूछूंगा उनसे कि अगर वो मुझे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सके तो मुझे जन्म ही क्यों दिया। हाँ।